अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा सादिया और आज मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर मजहर हुसैन से। डॉक्टर मजहर हुसैन एक बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं चाहूँगी कि वो आपको खुद अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस्लामाबाद के अलावा और कहाँ कहाँ दिए हैं आपके क्लिनिक्स? जी, हमारे क्लिनिक्स हैं इस्लामाबाद, कोपेनहेगन, ओस्लो, लंदन एंड नॉटिंगहम में। तो हमने एक जैसा ही मेयार रखा हो, चाहे सर्जरी वहाँ हो या यहाँ इस्लामाबाद में हो, तो हमने एक ही यूरोपियन स्टैंडर्ड रखा हुआ है। जैसे हम वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वही काम और वही सर्जरी हम यहाँ पाकिस्तान में दे रहे हैं। लोगों को क्या ज़रूरी है जब वो चाहें कि वो बाल लगवाएं, तो क्या देखना चाहिए उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन में और क्लिनिक में, और आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि सेफ्टी होनी चाहिए। तो ट्रांसप्लांट जितना मर्जी अच्छा हो, उसमें फिर एक खतरा होता है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी बात है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, वो ये है कि जो बाल लगाए जाएँ वो नेचुरल नजर आएँ। ये ना पता चले कि ये बाल लगाए गए हैं। हेयर लाइन का नेचुरल होना, बाकी जो बाल लगाए जाते हैं वो नेचुरल नजर आएँ। अगर आप बालों की स्टाइलिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको परेशानी ना पेश हो। अगर आप चाहते हैं आपके बाल हेल्दी हों, अगर आप ये चाहते हैं आप खुद सेहतमंद हों, ही इज़ एन एक्सेलेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एज वेल, वेल इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो मुझे यकीन है कि जब आप विज़िट करेंगे क्लिनिक को डॉक्टर मजहर हुसैन की इस्लामाबाद में, तो आप यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी डिलाइटेड।